हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ मुकेश सर चैनल पे। आज हम लोगों को डिस्कशंस करने जा रहे हैं जो सवाल बोर्ड में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आने के चांसेस है। मुझे तो लगता है सवाल आएगा। हाँ, कैसा आएगा इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन ये सवाल आड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ भी इसका एमसीक्यूज न्यूमेरिकल बना सकते, थ्योरी क्वेश्चन बना सकते। एक तो ये सवाल मैक्सिमम टाइम आज तक जो आया है वो ये है, यंग ऑर्बिटल इज इक्वल टू ई वी आर बाई टू, ये प्रूफ करने के लिए आता है। हमेशा सवाल आने के ये चांसेस रहते हैं। ओके, या बोस मैग्नेटॉन क्या होता है, या इसी को गायरो मैग्नेटिक रेशियो के ऊपर सवाल आ सकता है, मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है। तो ये चीजें के ऊपर, फार्मूले के ऊपर या न्यूमेरिकल, इसके ई तो पता, वी आर देंगे आपको, न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू कुछ भी आ सकता है। अब पहले जैसे ही सवाल है, जैसे ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म देख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। हमारा कोई भी एटम इज मेड अप ऑफ द, सॉरी, ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ द एटम। तो एटम में कौन है भैया? न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहा है तो करंट का रिवॉल्यूशन ये होगा, ऑब्वियसली होगा। यहां पे मुझे निकालना क्या है, यम ऑर्बिटल। ये फार्मूला आई इंटू ए पता है क्या? मेरा सवाल है आपके लिए। क्यों बेटा? क्योंकि 11th में आया, आई इंटू ई, करंट मल्टीप्लाई एरिया। करंट कितना फ्लो हो रहा है इस कॉइल में से और एरिया कितना है। अब करंट की बात करते हैं, करंट क्या होता है, हमेशा सुनते आ रहे हैं हम लोग ई बाई टी। आपके बुक्स में जो दिया है उससे थोड़ा सा मैं अलग, मतलब वही है फार्मूला, मीनिंग वही है, सब कुछ वही है, टेंशन मत लेना। मुझे बताओ स्पीड क्या होती है यार? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो डिस्टेंस इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ट्वाइस पाई आर डिवाइड बाय टी। मुझे टी की वैल्यू रखनी है इसमें, तो मैंने बोला एक काम करते, टी ट्वाइस पाई आर बाय वी। यहाँ पे फालतूगिरी की गई है आपके बुक्स में, टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई बाय ओमेगा। ओमेगा का फार्मूला वी बाय आर, तो ये आर ऊपर जाता है रिलेशन बिटवीन करके, एक ही मतलब है यार, मतलब ओमेगा की वैल्यू रखी है वी बाय आर। देखो वही फार्मूला मिल रहा है के लिए, ये भी डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाएगा तो ट्वाइस पावर बाय वी, यही फार्मूला मिलता है। चलिए सर, मेरे पास बट ये फार्मूला ट्वाइस पावर बाय वी है, तो इस इक्वेशन वन में डाल रहा हूं, तो करंट इज इक्वल टू ई, इसका फार्मूला बेटा ट्वाइस पाय आर, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाता है, मतलब ई वी डिवाइड बाय ट्वाइस पाय आर, ये मुझे यहां पे फार्मूला मिल रहा है। सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं बच्चों। तो इसके कारण यहाँ पे हम लोग समझ पा रहे हैं कि यार ये टॉइस पार वी ई वी बाय टॉइस पार, ये फार्मूला लिखा मैंने, वाडी। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ये इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, और एरिया क्या होता है, तो ये होता है पा आर स्क्वायर बेटा, मतलब ये और ये दोनों वैल्यू मिला के मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ। थोड़ी सी लाइट लगाता हूँ बेटा, बहुत ज्यादा अंधकार हो रहा था इसलिए। व्हाट इट, समझ में आ रहा है? चलिए अब इक्वेशन वन में पुटअप करनी है मुझे। इक्वेशन वन ये है, तो यम ऑर्बिटल यहाँ पे आई की वैल्यू ई वी डिवाइड बाय टॉइस पाई आर, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई को मरवाओ, एक आर से एक आर को मरवाओ, तो यम ऑर्बिटल मुझे लगता है कि यहाँ पे ई वी आर बाय टू, ये फार्मूला मिल रहा है, यही मुझे प्रूफ चाहिए था। ये दो मार्क के लिए सवाल। अब आगे बढ़ते हैं, अगर गायरो मैग्नेटिक रेशो पूछते हैं तब क्या करना है? कुछ नहीं बेटा, ये यम मतलब मैग्नेटिक मोमेंटम है। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, देखो ई डिवाइड बाय टॉइस यम ई, ये यम क्या है सर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसका भी कारण मैं आपको देने वाला हूं। ओके, तो देखिए, तो यहां पे भी करना पड़ेगा सर, यम वी आर, ये ई लिखो, इसलिए किया था। एक स्टेप यहां पे लिखता हूं, यम वी आर, ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है। सर कहां से आया दिखाता हूं, बाद में मिटाने वाला हूं। ये फार्मूला आया बेटा एक्चुअल में रोटेशन डायनामिक्स में, आई इंटू ओमेगा, ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, जिसे लीनियर मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी लिखते बेटा, मास का एनालॉगी आ है, लीनियर वेलोसिटी का ओमेगा है, समझे ना। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है यम आर स्क्वायर, तो यम आर स्क्वायर, ओमेगा का फार्मूला ऑलरेडी लिखा था मैंने, वी बाय आर, आर से आर को मरवा दो, यम वी आर, समझे बेटा। यम वी आर कैसे लिखा,
अब इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे, है ना, ये सब चीज़ों को मैं मिटाने वाला हूँ, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब आप देखो, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, भी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे यम ऑर्बिटल इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय टॉइस यम ई, और इसको बोलते हैं यल एंगुलर मोमेंटम। वडी, अब यहाँ पे यम ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय यल इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय टॉइस यम ई लिख सकता हूँ। यस बेटा, कुछ कैलकुलेशन किए गए, इसी को गायरो मैग्नेटिक, देखो गायरो मैग्नेटिक रेशियो जी एम आर मतलब, ठीक है, तो ई डिवाइडेड बाय टॉइस यम ई, इनके कैलकुलेशंस किए गए और इस कैलकुलेशन इस मुकाम पे पहुंच गए। गायरो मैग्नेटिक जो रेशियो बेटा, ये मिले थे 8.8 10 रेस टू 10, चार्ज है तो कूलम और ये केजी, कूलम पर केजी बेटा। ओके, ये कैसे, चार्ज सबको पता है यार, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, ठीक है। उसके बाद में जो मास होता है इलेक्ट्रॉन को, वो होता है 9.1 × 10⁻³¹, ये 19 है, ठीक है, यहाँ पे केजी होता है। ये वैल्यू पुटअप करके वैल्यू निकाली गई है, व्हाट इट, तो टेंशन मत लीजिए। वो चलिए आगे बढ़ रहा हूँ भाई, थोड़ा सा यहाँ पे बेटा हम लोगों को बोहर्स मैग्नेट्रॉन, मतलब देखो बेटा ये एक्चुअल में बोहर्स आपका सेकंड पॉसिबिलिटी है। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया में चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि जे जे थॉमसन बाद में रदरफोर्ड आ गए, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस है बेटा यहाँ पे जो मासी होता है, लेकिन कुछ गलतियाँ की थी रदरफोर्ड साहब ने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व द स्पायरल पाथ होता है, वही बोहर साहब ने थोड़ा सा बराबर बताया था। ओके, अब यहाँ पे ये जो यल दिख रहा है ना, इस यल के जगह पे जैसे मैंने यम वी आर लिखा है, वैसे यन एच अपॉन टॉइस पाई, ये प्लैंक कांस्टेंट होता है, यन इज द ऑर्बिट नंबर, पहले ऑर्बिट में दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं उसको। चलिए तो यम ऑर्बिटल यहां पे देखो ई टॉइस यम ई, बात समझ में आ रही है, इस यल के जगह पे अभी यन एच अपॉन टॉइस पाई रखने वाले, तो यम ऑर्बिटल यहाँ पे यन ई एच 2 × 4 πm e मिल रहा है, यन की वैल्यू 1 रखो तो यम ऑर्बिटल की वैल्यू मुझे ई एच 4 π, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ज्यादा करने से फायदा नहीं। हाँ चलिए कोई टेंशन नहीं यार, यम ऑर्बिटल ई एच 4 πm e बेटा, यही आपका बोर्स मैग्नेट्रॉन, कौन सा बोस मैग्नेटॉन, ओ यान है, ठीक है, बोस मैग्नेटॉन। और इसकी जो वैल्यू लिखी गई है वो वैल्यू है 9.274 10⁻²⁴, है ना, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू इसकी कांस्टेंट वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी। मुझे लगता है कि यही आप लोगों को बोस, है ना, BORH, मैं तो बच्चे बोलेंगे सर स्पेलिंग क्या लिखी है, ठीक है, नहीं नहीं गलत लिखी है क्या, एक मिनट क्या हो रहा है आज, ये क्या हो रहा है, चलो लिख देता हूँ, एक मिनट चलना बाबा, हाँ BO या चारा बोर, ठीक है। ये आप लोगों को सब सवाल आता है, अगर पूरा आता तो 3 मार्क के लिए, नहीं तो EVR/2 2 मार्क के लिए भी सवाल आने के चांसेस है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलो यार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना, लाइक करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करते हैं बाय।